तो अब बारी है जी विदाई की। हाँ जी, तो यहाँ पर विदाई बहुत लोगों की होने वाली है। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वहाँ तो जा ही रहे हैं, और हमें भी जाना है क्योंकि जिया का एक और एग्जाम है जो कि आखिरी एग्जाम है। क्या अपने मोबाइल और चार्जर के बारे में? वहाँ जी भूलने की आदत है, और धन्यवाद कहना चाहेंगे, और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ जैसा परिवार मिला है कि जो मेरा चार्जर ढूंढ करके मुझे दे दिया। वो कैसे गया? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? जी स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो जी अभी तक आपने देखा होगा तीज का ब्लॉग, और उम्मीद करते हैं कि आपको तीज का जो ब्लॉग है मजा आया होगा। तो अब बारी है जी विदाई की। हाँ जी, तो यहाँ पर विदाई बहुत लोगों की होने वाली है। यहाँ पर जितने भी गेस्ट आ रहे हैं वहाँ तो जा ही रहे हैं, और हमें भी जाना है क्योंकि जिया का एक और एग्जाम है जो कि आखिरी एग्जाम है। तो कुछ ही देर में हम लोग तैयार होंगे और निकलेंगे जिया के घर की तरफ। यहाँ पर शिवम सोया हुआ है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बेचारा बहुत थका है कल। तो उधर पंडित जी विदा हो गए जी, अब हम लोग भी विदाई की तैयारी कर रहे हैं। पहले निकलते सवासी सब सही सब तो लेबे करो, हम सोचे जो बीच में हम चल जाए। पोता के जे जनऊ मुड़न करते तै लेलि आप दान दक्षिणा ओरिया के राख। तो वैसा करते हैं जी, पंडित जी का तो उधर अपना खाना लग रहा है, और हम जा करके वहाँ पर स्नान कर लें। कोई नहीं जी, तो चलते हैं और सीधा जा करके स्नान करते हैं, उसके बाद बाकी आगे का कार्यक्रम करते हैं। शिवम तुम भी नहा लो। A few moments later। आराम से किस रात में कल तो उतना बना लेंगे, नहीं खा पाए इसलिए बहुत दुख हो रहा था, लेकिन व्रत में थे खाते कैसे कम कर रहा था। लेकिन आज से कल 5 तारीख 4 को चले जाएंगे, इतना दिन आराम से बैठ के वकील साहब का मजे से खाएंगे। अब जब पोता जब मुंडन होगा तो कभी खाना, व्रत हम लोग किए हैं और हलवाई खाना दूसरों भी बनाए। खाने में पुलाव तड़का और क्या है, घुगनी और ये मटर पनीर, मटर पनीर हुआ बहुत। अब जाते हैं जी, जल्दी से जा करके अपनी गाड़ी ले आते हैं और गाड़ी यहाँ पर लगा देते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे सभी लोग। 20 minutes later तो फाइनली जी आ गए यहाँ पर, अपनी बाइक को यहीं पर लगा दिया है, और गाड़ी जो है वहाँ से गोलू निकाल रहा है हमारे साले साहब। तो जब वह गाड़ी निकालेगा बाइक को यहीं छोड़ देंगे, फिर दोबारा जब आना होता है तो क्या करते हैं कि गाड़ी जब यहाँ लगाते हैं तो बाइक अपना लगा हुआ रहता ही है, बाइक से घर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा घर जो है थोड़ा डिस्टेंस है, तो पैदल चलने में वहाँ तक में थोड़ी दिक्कत है। कल तक तो मौसम बड़ा बढ़िया करके रखा हुआ था, लेकिन आज जो है मौसम थोड़ा सा धूप है, और लगता है कि जैसे ही समय बीतता जाएगा गर्मी बढ़ती जाएगी। हे भगवान रहम करो। तो फाइनली जी गाड़ी आ गई है और हम भी हो चुके हैं तैयार, और अब बारी है यहाँ से निकलने की। तो अब सीधा नीचे चलते हैं, जिया नीचे ही हैं, बाबू भी नीचे ही हैं, तो सभी को लेकर के निकलना है। शर्ट पैंट सिला लेना, 101% तुम्हारा जिया के पास है, तगा ला कर सिला ले। देखिए गाड़ी में सिर्फ जिया के पास में रख दिए, तो मांग लेना उससे, न तो नहीं पता लेगी। पोता जा रहा है, पोता हमारा ना जा रहा है दही लेके, खूब एकदम दूध जमा जमा के नानी के कई दलपुरी दही दिले चौरचन के। अच्छा अभी सोया हुआ है क्या? चलो अच्छा है, सोते सोते ही पहुँच जाएगा नानी का। कहाँ लेते आएंगे? चलो बहुत टाइम हो गया, सामान हो गया, जल्दी चलो। अब क्या लेना है? अब हमने कुछ छोड़े, ऊपर जितना था सब ले आए। यहाँ से कोशिश है जी कि जल्दी से निकला जाए, लेकिन जल्दी से निकलना संभव लग नहीं रहा।
बारह बजे तक 3 बजे तो हमें फैसला करो बाल खुद ही करेगा हम लोग भी खिड़की के पास रहेंगे खड़ा रहे बहुत बदमाश हो गया रुकियो वो कैसे गया जब तक है तो आशीर्वाद तो लेना ही और कुछ ना देवे तो आशीर्वाद और जीत बचेगा चश्मा मामी चश्मा नहीं चश्मा अभी तक मोबाइल चार्जर नहीं छूट रहा 1 साल हो गया तब भी छूट ही रहा है और चश्मा तो बिल्कुल नहीं जाता काटा चश्मा कहाँ है मेरा कुछ बोलना चाहेंगे क्या अपने मोबाइल और चार्जर के बारे में वह जी भूलने की आदत है और धन्यवाद कहना चाहेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी समझता हूँ जैसा परिवार मिला है कि जो मेरा चार्जर ढूंढ करके मुझे दे दिया जो अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रख लेते हैं मेरी इस हरकत से बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है घोड़ा बन रहा है।